खिलाड़ी सीजन 13 में खतरों का सामना करने से पहले अर्चना गौतम बनी है मराठी मुलगी और पहुंची है मंदिर। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने को है। 11 मई को जो है सभी कंटेस्टेंट रवाना होंगे अर्जेंटीना के लिए। तो वही आपको बता दें कि रवाना होने से पहले कंटेस्टेंट्स हैं जो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई दरगाह जा रहा है, तो कोई मंदिर जा रहा है, तो कोई मस्जिद जा रहा है। वेल, अब ऐसे में आपको बता दें कि शिव ठाकरे सिद्धि विनायक पहुंचे थे आशीर्वाद लेने के लिए, अंजुम फकिया दरगाह पहुंची थी, वहीं अब अर्चना गौतम भी पहुंच चुकी हैं मंदिर। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई में एक मंदिर है, मुंबई देवी मंदिर, और वहां जो है अर्चना गौतम पहुंचती हुई नजर आई मराठी मुलगी बनकर, जहां माता का आशीर्वाद लिया। और वो काफी मानती हैं इस मंदिर को, इस देवी को काफी मानती हैं, जिसके चलते अर्चना जो है मुंबई देवी मंदिर पहुंची। वहीं वो ये भी कहती हुई नजर आई कि शो को लेकर काफी एक्साइटेड है, वो पूरी तरह से तैयार है खतरों का सामना करने के लिए, लेकिन माता का आशीर्वाद लेना जरूरी था इसीलिए वो मंदिर पहुंची। फिलहाल आपको बता दें कि जिस ड्रेस कोड में पहुंची है अर्चना गौतम मराठी मुलगी बनकर, इसमें बहुत ही प्यारी लग रही हैं, पिंक कलर की और ग्रीन कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से अर्चना गौतम फाइनली रेडी हो चुकी हैं। 11 मई को रवाना होंगी अर्जेंटीना के लिए, जिसके बाद होगा खतरों का सामना। उसी के साथ आपको बता दें कि जून के अंत में या तो जुलाई के शुरुआती दिनों में शो को टेलीकास्ट भी कर दिया जाएगा। तो आप अर्चना गौतम को खतरों का सामना करते हुए देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।